नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री की। और ये डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनी हुई है और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनकी भूमिका को लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है, दो पार्ट्स की ये डॉक्यूमेंट्री है। पहला पार्ट अभी यूके में, यूके का जो आई प्लेयर है वहां पर उस पर रिलीज किया गया था, जो कि बाकी देशों में अवेलेबल नहीं है क्योंकि, लेकिन ये वहां पर प्ले आउट हुई थी इसलिए उसके कुछ पोर्शंस काट काट कर यूट्यूब पर डाले गए हैं, लेकिन इसको लेकर एक बड़ा विवाद मच गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन, यानी कि नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि गुजरात में जिस जो दंगे 2002 में हुए थे उसके लिए केवल और केवल नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। इसमें जैक स्ट्रॉ जो उस समय के जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनका एक इंटरव्यू है और जिसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। और यूके ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और उसी इन्वेस्टिगेशन का हवाला इस डॉक्यूमेंट्री में दिया गया है, जिसकी पुष्टि कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर डिप्लोमैट कंवल सिब्बल जो कि भारत में थे उन्होंने की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे जो भारत के जो कोर्ट्स हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया है, उनको क्लीन चिट मिल गई है कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी और उनको बेदाग बताया गया है। लेकिन यूके की पार्लियामेंट, यानी कि जो यूके के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अगर बनाई है, और बीबीसी की ऑथेंटिसिटी सबको पता है कि कितनी ऑथेंटिक होती है, वो हमेशा वेरीफाई करके क्रॉस चेक करके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो बनाते हैं। लेकिन एमईए के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने ये कहा है कि ये कॉलोनियल माइंडसेट है, एक डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव है, यानी कि मोदी जी को डिस्क्रेडिट करने के लिए बनाया जा रहा है, इसका एजेंडा क्या है, और इसको एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है, यानी कि मोदी जी पर जो ये डॉक्यूमेंट्री बनी है ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है हमारे एमईए के स्पोक्स पर्सन के हिसाब से। लेकिन जो मूल सवाल आज इस समय में जो रेज करना चाह रही हूं कि भले ही हमारे कोर्ट्स ने बरी कर दिया हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन दुनिया की नजर में क्या गुजरात दंगों का जो दाग है क्या वो नरेंद्र मोदी से धुल पाएगा? लोग बार बार उसका हवाला क्यों देते रहते हैं इसके बावजूद कि कोर्ट्स ने उनको बरी कर दिया है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता निशांत रावल गुजरात से जुड़ रहे हैं। निशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो पहला सवाल है कि आज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर तमाम लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं और गुजरात दंगों की इस समय बात हो रही है, तो एक तरीके से गुजरात दंगों का जो विवाद था एक बार फिर से जिंदा हो गया है बावजूद इसके कि इंडियन कोर्ट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया है, उसका कारण क्या है? क्या जो गुजरात दंगों का दाग है वो मोदी जी कभी इसको धुला नहीं पाएंगे? देखिए नीलू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वो ब्रिटेन की एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी काफी प्रभाव माना जाता है। मैं खुद ब्रिटेन में रहा हूं और इनफैक्ट जब मुझे चांस मिला था प्रॉपर लंदन में बीबीसी का जो हेडक्वार्टर है उसको देखने का, तो मैं बिल्कुल वहां पे गया था और मैंने देखा था। देखिए, बीबीसी ऑथेंटिकेट माना जाता है, ये बात भी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए सही है, लेकिन साथ साथ में देखिए तो ब्रिटेन और अमेरिका की जो चैनल्स है उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान के दो पार्ट किए थे उस समय भी प्रोपोगेंडा चलाया था और भारत देश के ऊपर बैन लगाए थे और भारत देश को बदनाम करने की और उस समय के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की भी बहुत कोशिशें की थी। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी जी को हिटलर के साथ भी कंपेयर किया गया था जब हमने बांग्लादेश का निर्माण किया था और पाकिस्तान को एक ऐसा लप्पड़ मारा था जो अभी तक उनका गाल लाल है। लेकिन दूसरी तरफ देखने जाइए तो प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के भी प्रधानमंत्री है। साथ साथ में जब 2002 में गुजरात में रायट्स हुए थे उस टाइम वो मुख्यमंत्री थे, वो बात भी सही है। 2002 में रायट्स हुए थे वो बात भी सही है। 2002 में बहुत सारे हजारों हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी अदर कम्युनिटी या धर्म के लोग हो वो जेल में गए थे, वो बात भी सही है। क्योंकि मैं 2002 में मैं जो सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मैं पढ़ाई करता था और हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि क्या हुआ था। लेकिन जब भारत देश की अंतरिम कोर्ट और सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट दे दी है तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कोई सवाल जवाब कर नहीं सकती, हम सबको मानना पड़ेगा।
लेकिन हम सब ने भारत देश में ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठ जजों ने रोड पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी कि जब से 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी देश की कमान संभाल रहे हैं, तब से जुडिशरी पे एक अननोन प्रेशर डाला जा रहा है किसी जजमेंट के लिए, किसी लॉ को बनाने के लिए। जैसे रिसेंटली अभी आपने गुजरात में देखा कि आईपीसी 144, यानी कि यहाँ पे अघोषित आपातकाल कभी भी यहाँ की पुलिस कमिश्नर या सरकार, होम मिनिस्टर, गुजरात के होम मिनिस्टर लगा सकते हैं, उसको मजबूत बनाने का काम अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल पावर के थ्रू गुजरात गवर्नमेंट ने किया। उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी सामाजिक या राजकीय आंदोलन नहीं हो सकता, बल्कि आपको पता है कि आंदोलन की वजह से ही हमारा देश आजाद हुआ है। साथ साथ में हमें ये भी जानना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसके 2022 के आंकड़ों के हिसाब से हम 150 पे आ चुके हैं, दुनिया के सारे देशों में 150। दैट मीन्स कि भारत देश में पत्रकारों को सबसे ज्यादा नुकसान किया जाता है, यानी कि भारत देश में पत्रकारों को एक फ्रीडम नहीं है उनकी कोई भी कमेंट या उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्री या न्यूज बताने के लिए।